हरियाणा के बरिस सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने चार कली के माध्यम से क्या लिखा और क्या बताया। दिखे नया रंग और नई रोशनी, लोगों नया जमाना आवेगा, हेरे जति सती सतवादी मानस सतवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। सजनों, अच्छे और बढ़िया मानस टोने ते भी नहीं मिलने के आगे आने वाले समय में। और पहली कली के माध्यम से बताया कि सजनों, मात पिता की इज्जत तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सजनों, गांव में तो आज भी लोग बाग बच्चे अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, इज्जत भाव देते हैं, सम्मान करते हैं। शहरों में तो सजनों कोई माँ बापों को रोटी तक भी नहीं बूझता। कुछ घर ऐसे हैं अभी भी। आइए पहली कली के माध्यम से के लिख्यार के बहुत अच्छे हेरे मात पिता और बेटे रे, मात पिता और बुआ बहन का, मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोना, मदिरा न समास का खाना, शुद्ध जल पान रहे कोना, वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोना, कौ गोमती गाय तेरी का नाम निशान रहे कोना, गौ गोमती गाय तेरी का नाम निशान रहे कोना, ब्राह्मण विद्वान रहे कोना, आने वाले समय में सम्मान नहीं रह जाएगा। नंबर दूसरी कली में बताया सजनों, क्या बताया? यूं कहते हैं लोग कि भाई हमने इतने पाप हो गए, मारते ये पाप हो गए, गंगा जी चले जाओ, गंगा जी जाके ताऊ पाप धुल जाएंगे। पर कहते हैं, किसी ने लिखा कि वो गंगा भी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बताया सजनों कि लोग बाग इतने पापी हो गए कुछ तो, किसी ने न्यू ही नहीं बेरा कि हम कर क्या रहे हैं। आते लोगों को तो न्यू ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, और इसके करने का
भुगतान क्या होगा और क्या नतीजा हो सकता है, पर सजनों करने से मतलब है। नंबर दूसरी कली में क्या बताया पंडित जी ने, वरण बहेंगे चारों छतरी, वरण बहेंगे चारों छतरी, सुतर पितर पानिए चारों वरण बड़ापन में रह तन की गैल जानिए, कर्म करणिया मर कलयुग में जीव में जहर खानिए, उत कहावेंगे जो गंगा बीच नहाणिए, उस गंगा की परवाह में लोगों हो, गंगा की परवाह में लोगों कोनिए को तलावेगा, जति सती सतवादी मानस न पावेगा, जति सती सतवादी मानस नाटो हेत पावेगा, कि इंसान बलवान नहीं है, बखत बलवान है। समय जो चाहे इंसान पे वो करा दे, कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान आखिर समय होता है। बताया प्रेमी सजनों पंडित जी ने नंबर तीसरी कली के माध्यम से, और क्या बताया के लिखा बहुत अच्छे, ऐसा भी समय आ जाएगा कि दादा पोते तक का भी खून नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा दुर्भाग्य होने लगेगा हमारे देश में। क्योंकि बताया सजनों कि 70 साल 80 साल पहले दादा ने एक बात लिख दी, एक रागनी बता दी, मना दी, और उसमें जिक्र कर दिया कि भाई आने वाला समय जमाना ऐसा आ जाएगा अगर मानस एक अंगूठे से स्विच ऑन करेगा ना तो पूरे घर में उजाला हो जाएगा। और सजनों यही बात है, आप एक उंगली दबाओ, खटका दबाओ, पूरे घर में रोशनी हो जाए, डिजिटल मामला हो गया, 21वीं सेंचुरी आ गई सजनों, 21वीं सदी आ गई। बताया आजकल हर चीज काम मशीनों से होने लग गए, सारी चीज मशीनों से होने लगे, कपड़े लो, न्यार काट लो, कुछ भी करवा लो, आगे आगे ऐसा काम ना हो जाए, बालक भी मशीनों से होने लग जाए। सही बात, हकीकत बात है। नंबर तीसरी कली में के लिखा बता दिया सुनेगा सीताराम, दिखे पाई पास पाई पास बहन बैठेगी, पाई पास बहन बैठेगी, साली रोटी पोवेगी, बहु दरोगा हुक्म चलावे, सासू बर्तन धोवेगी, पति न छोड़ के फिर भाज जा, नया ठिकाना टोवेगी, दादा पोते का खून मिले ना ऐसी भी हद होवेगी, दादा पोते का खून मिले ना ऐसी भी हद होवेगी, फिर नकली प्योधे चढ़े घर घर में हो, नकली प्योधे चढ़े घर घर में,
सास ना तो एत पावेगा रे सती सती सतवादी महानस ना तो एत पावेगा रागनी का निचोड़ कर दिया और बताया चौथी कली में कि अगर आज अपने कोई मिलने वाला हो, यारा प्यारा मानस हो, रिश्तेदार हो, सजनों किसी के घर में कोई कारज है, कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई पार्टी है, अगर कोई अपना यारा प्यारा मानस चला जाए और वो अगला बंदा उसके खातर 56 प्रकार के भोजन तैयार कर दे, मीठा मीठ मास्टर जी 56 प्रकार के भोजन तैयार कर दे सजनों, चाय ले, दूध ले, घी की चाय नाल पिला दे उसे, पर अगर ये ना बूझा ना, अरे तूने मेरे लिए कराई क्या है सजनों, है ना, क्योंकि आज का समय ही ऐसा आ गया, अगर दूसरा दोस्त अपने एक दोस्त के लिए सब कुछ तैयार कर दे और न्यू ना बूझे, भाई लेवेगा थोड़ी थोड़ी देसी अंग्रेजी, देखता हूं ताऊ कब जीस आ गया, ताऊ ने भी याद आ गई, रात ने मार रहा था ताऊ, हाँ बताए प्रेमी सजनों, तो न्यू कह देगा रे भाई तूने मेरे लिए कराई क्या है, तेरे घर आया तूने तो मेरी कोई खातिरदारी नहीं करी, कोई मेरे को चाय हुक्का पानी नहीं पूछा। बताया सजनों कि आज का जमाना और आने वाला जमाना ऐसा हो जाएगा, अगर इंसान कोई किसी के लिए अपना कार्ड के खून भी दे देगा ना बोतल में, उसकी भी कदर नहीं होगी, पर ये चाहिए, और सुनो ये तो चाहिए ही चाहिए, नू कहेंगे भाई दो दो पैक गैल लगावेंगे, अगर रखा हो तो घर को भी बांध दे, लेके भी जाऊंगा, ऐसा जमाना आ गया सजनों। आखिरी और अंतिम कली में पंडित लक्ष्मी चंद जी ने बताया के लिखा सुनेगा, ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, कम ते कम हो जावे कारू सुल्फा पीवणिया की, शर्म खत्म हो जावे इबते मरद खसम बन रे फिर पीर खसम हो जावेगी। न्यू कहेगी आने वाली लेडीज, आने वाले ताऊ 10-20 सालों में, और फॉरनर विदेशों में तो ऐसा है भी, मियां बीवी दोनों गैल बैठ के हुक्का पानी दोनों पीवे हैं, टेंशन नहीं, शाम में डिस्को जाएंगे छोटे छोटे कच्छे पहन के और इंजॉय लेंगे। हाँ बताया सजनों कि आज जेंट्स जितने भी हैं मर्द हैं, न्यू कहवे अरे हम मर्द हैं ना, आने वाले 2-4-10-20 सालों में न्यू कहेंगी औरतें तुम के हो, थारा के सौदा है, जो कि मैं है हम है, थारा कुछ नहीं है। हे रे इबते मर्द खसम बन रे फिर वीर खसम हो जावे, सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आमरसम हो जावेगी, मेरा सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आमरसम हो जावेगी, हे लक्ष्मी चंद के जाए पछे हो नाटो एत पावेगा, नई रंग और नई रोशनी,
जती जती सतवादी माणस नाटे तपा जती जती सतवादी माणस नाटे